सीरियल अनुपमा में अनुपमा एक आइडिया सोचती है और इसी वजह से काव्या और अनुपमा में काफी बड़ी बहस होने वाली है। काव्या इतनी बुरी तरह से अनुपमा पर फटने वाली है जिसकी वजह से अब काव्या को अब अनुराज ही सबक सिखाएगा। जी हाँ दोस्तों, आने वाले एपिसोड में एक नया प्रोमो जारी हुआ जिसमें अनुपमा वनराज के लिए एक नया आइडिया लेकर आती है कि वो छोटा सा कैफे उसी की एकेडमी में खोल सकता है, क्योंकि वहाँ पर तो बहुत सारे बच्चे बहुत सारे लोग आएंगे जो कि डांस सीखने के लिए आते हैं, तो यहाँ पर आपकी कैंटीन और कैफे बहुत अच्छे से चल सकता है। तो वनराज को ये आइडिया पसंद आ जाता है और घर वाले भी इस बात से एग्री हो जाते हैं और वनराज तो खुश हो जाता है कि चलो अनुपमा के साथ काम करने का मौका मिलेगा और अनुपमा ने इतना अच्छा आइडिया सोचा है कि वो खुद का कैफे शुरू कर सकता है और खुद के दम पर शुरू कर सकता है। लेकिन काव्या फिर से इस बात में बीच में भड़क जाएगी और वनराज से कहेगी कि तुम फिर से फालतू के आइडियाज लेकर अपनी ज़िंदगी खराब कर लोगे, हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हम ये सब कुछ करें और हमें फ्यूचर के बारे में भी सोचना है और अब तो मेरी जॉब भी नहीं है तो तुम ये फालतू के आइडियाज ट्राई करने की बस इस जरा सोचो मत और कुछ अच्छी जॉब को ज्वाइन करो। और वो अनुपमा भी कह देती कि मेरे पति को फालतू आइडियाज देने की हिम्मत कैसे तुम्हारी, पहले भी तुम्हारी वजह से ये कैफे बंद हो रहा है और मेरी जॉब भी तुम्हारी वजह से गई है, और उस पर काफ़ी इल्ज़ाम लगा देगी और कह देगी कि मेरे पति से दूर रहो और मेरे पति को ये आइडियाज़ देने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं हो, तुम मेरे पति को मुझसे छीनना चाहती हो, इसीलिए तुम अपने कैफे में उसको जॉब दिलाकर उस पर एहसान कर रही हो और अपने वहाँ पर कैफे खुलवा कर तुम इसके गरीब आना चाहती हो। और वनराज का गुस्सा फूटेगा और जैसे काव्या यहाँ पर अनुपमा पर हाथ उठाने वाली होगी गुस्से में, तभी वनराज उसका हाथ पकड़ेगा और उसे सबक सिखाएगा और कह देगा आगे से अगर ऐसा कुछ करने की कोशिश भी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, तुम्हारी जॉब जा चुकी है इसका मतलब ये नहीं कि तुम किसी पर भी भड़ास निकालो, मेरे पास भी जॉब नहीं है, हम सिचुएशन समझते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि घर में तमाशा शुरू कर दिया जाए, शांति से कुछ सोचोगी तो तुम जरूर कोई ऑप्शन मिल जाएगा, लेकिन अनुपमा के साथ में अनु के साथ में कुछ भी करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और अनुपमा का ऑफर एक्सेप्ट कर लेता और कह देता है कि मैं अपने दिल की करूंगा और मैं अब इतने साल तक जॉब कर चुका हूँ लेकिन मैं ये ट्राई ज़रूर करूँगा कि कैफे के लिए मैंने इतने आइडिया सोचे हैं तो मैं एक्सपेरिमेंट ये ज़रूर करूँगा और अनुपमा ने जो भी आइडिया सोचा मैं उसका सपोर्ट करता हूँ और मैं ये स्टार्ट ज़रूर करूँगा। तो वो काव्या के खिलाफ जाकर अनुपमा का साथ देगा और कैफे शुरू करेगा एकेडमी मान।